टोरंटो से हाँ तो हम निकल गए और घर 15-20 मिनट में पहुंचेंगे। सुना है कि पानी का लेवल कम हो गया, बट हमें जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे वो जाके देखना। मैं आपको कुछ क्लिप्स इसमें डालूंगा जो उनसे हमारे पास पानी के साथ वाली पड़ी है, तो देखते हैं अब जाके कि हमें क्या करते हैं। सारा बंद है, यहाँ पे कहीं से भी जाने को नहीं है। हमने ट्राई किया जाने का ऊपर नीचे जो भी रास्ते थे, बट सारे बंद है, पुलिस ने टेपिंग की हुई है। तो अब कल सुबह तक लगता है कि खुलने चाहिए वो रास्ते, बट अब के लिए हम अपने दोस्तों के घर आ गए हैं, तो यहाँ पे रहेंगे और सुबह जाके देखेंगे कि कैसे चल रहा। हमारी गली यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे पूरा पानी था, लेकिन हमारे कोई गाड़ी जाने नहीं दे रहे, तो हमने गाड़ी अपनी यहाँ पे लगाई है। अब यहाँ से हम वॉक करके जा रहे हैं। हर जगह पुलिस ही पुलिस खड़ी है यहाँ पे। अभी तक यहाँ पे लाइट आई नहीं है और ये जनरेटर लगा दिया अपार्टमेंट वालों ने। लोगों ने पंप लगा रखे हैं यहाँ पे पानी निकालने के लिए। हर जगह कीचड़ कीचड़ हो गया है, पता नहीं क्या सीन है कनाडा में। मेरे को लगता है जो हाइब्रिड मॉडल गाड़ियां है ना, उनकी खिड़कियां और डिक्की अपने आप खुल जाती है। यहाँ पे कई गाड़ियों की खिड़कियां खुल, खिड़की और डिक्की खुल गई। फ्रंट यार्ड में तो हर जगह कीचड़ ही लग रहा है, और कीचड़ और मिट्टी है। थोड़ा बहुत कीचड़ है, कीचड़ काफी है एक्चुअली, कीचड़ ही कीचड़ है। मेन काफी तो कीचड़ भी, ड्राई वॉल भी उखड़ गई है, उखड़ गई है काफी जगह से उखड़ी है। ये तो मुझे लगता पेंट पे पेंट ही है शायद। वहाँ पे वो आप जैसे देख सकते हो पानी इस मार्क तक आया हुआ था। Oh my God. मतलब कि पूरा इस मैक्सिमम यहाँ तक था ये। इसका मैं आपको एक और किचन में दिखाऊंगा प्रूफ क्या है, और ये वॉशरूम भी पूरा गया है, वो तो ओवरफ्लो कर गया था पूरा नीचे से। अच्छा वॉशरूम पूरा सिंक कमोड सारा कुछ वॉशिंग मशीन वगैरह भी सब गया। इधर तो फ्रिज भी ऐसे ही गिर गया, ये भी सारा क्योंकि मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया था ना पावर के चक्कर में। ये सही किया, वो अच्छा किया, क्या पता ऐसे कुछ बचा हो इसका सारा सामान। और ये जैसे ये देख सकते हैं जो हमारा सामान ऊपर पड़ा हुआ है वो बच गया। अच्छा सूखा एकदम, एकदम सूखा जो इसके अंदर है ना। हाँ, जो इस लेवल के मतलब जस्ट इस लेवल के नीचे है। हाँ, वहां तक देखो पानी आया है, ये भी सारा उखड़ गया इसकी स्लैब। ये तो ये सिंक भी ओवरफ्लो कर गया हुआ था कल। ठीक है संभल के, वो बेड तैर रहा था, तैर के वो फिर पाइपों पे जब पानी हटा तो ऐसे ही गिर गया। मतलब आप देख सकते हो कि ये एकदम सूखा है, बेड तैर रहा था। बाहर से तो घर साफ हो गया और मतलब साफ किया, पानी चला ख़त्म हो गया, बट बेसमेंट तो पूरी ख़त्म है। इस पे अभी लगेंगे मुझे लगता है $30,000-40,000। अब इंश्योरेंस से बात किया, देखते हैं इंश्योरेंस वाले भी कितना कवरेज करते हैं क्या है,
और गाड़ी का भी मेरे को मतलब गाड़ी भी स्टार्ट खुल कुछ नहीं रही, तो या तो हो सकता है कि बैटरी ख़त्म हो गई है गाड़ी की, तो अब वो चार्ज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा पहले क्या करा जाए। तो अब थोड़ा सा रेस्ट कर मतलब रेस्ट किया, अभी थोड़ा सा शुरुआत करते हैं कहीं ना कहीं से। नोवा स्कोशिया पावर वाले आए हैं, ये उनकी वैन है और उन्होंने बेसमेंट के सारे स्विचेस बंद कर दिए पीछे से ही, मतलब पैनल से ही सारे डीएक्टिवेट कर दिए। जब तक इंश्योरेंस वाले नहीं आएंगे और रिपेयर नहीं होएगी उस तब तक ये कुछ भी हम उसको छेड़छाड़ नहीं सकते। इनका कोड शायद इनके पास ही है, तो बेसमेंट तो फुली ख़त्म है, मतलब अब वो बंद ही हो जाएगी सारी लाइटनिंग्स, अब ऊपर ही रहेंगे। तो इंश्योरेंस वालों ने बोला है कि तुम सामान फ़ोटोज़ वीडियोस लेके सारा सामान बाहर करके क्लीनिंग कर सकते हैं, तो अभी हम ये कर रहे हैं। सारा कुछ हमारा जो वो ख़राब हो चुका है एंड या टफ टाइम। हाँ थोड़ी सी गुड न्यूज़ ये थी कि हमने सारा सामान बाहर निकाल दिया, जो भी वेट है ये सारा अब ख़त्म है। तो क्योंकि दो दिन हो गए थे पानी को, अब ये सारा सामान जो सा ज़ीरो है। और बैड न्यूज़ ये है कि मोल्ड बनने शुरू हो सकते हैं अब और एक दो दिन में, तो हमें सारे का सारे बेसमेंट तोड़नी पड़ेगी या तोड़वानी पड़ेगी। तो अब किसी को बुलाना है और देखते हैं कि कैसे होता है।